हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आगे हम लोग वो देखने जा रहे हैं जिसे आप लोगों ने थंबनेल पर देखा। प्रश्न संख्या एक, पॉइंट इंडिकेटर सीधी लाइन के लिए सेट हो तो रात में कौन सी बत्ती बताएगा। ध्यान रखें दोस्तों कि यदि पॉइंट इंडिकेटर सीधी लाइन के लिए सेट हो तो रात में सफ़ेद बत्ती, पॉइंट इंडिकेटर यदि सीधी लाइन के लिए सेट हो तो रात में सफ़ेद बत्ती, और यदि वह टर्न आउट के लिए सेट हो तो हरी बत्ती बताता है। ठीक, पॉइंट इंडिकेटर सीधी लाइन के लिए सेट हो तो रात में कौन सी बत्ती बताएगा, सफ़ेद बत्ती। लेकिन वही दो नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि पॉइंट इंडिकेटर हरी बत्ती यदि बता रहा है तो वह किस लाइन के लिए सेट है, वह टर्न आउट के लिए सेट है। यानी कि यदि सफ़ेद बत्ती बता रहा है तो वह सीधी लाइन के लिए सेट है, और यदि हरी बत्ती बता रहा है तो वह टर्न आउट के लिए सेट है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों कि स्टेशन सेक्शन कौन से क्लास के स्टेशन पर होता है। तो आप ध्यान रखिए कि केवल बी क्लास स्टेशन है जहाँ पे स्टेशन सेक्शन होता है, केवल बी क्लास स्टेशन है जहाँ पे स्टेशन सेक्शन होता है। ए क्लास स्टेशन में स्टेशन सेक्शन नहीं होता, सी क्लास स्टेशन में स्टेशन सेक्शन नहीं होता, केवल बी क्लास स्टेशन है जहाँ पे स्टेशन सेक्शन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार, चौथा प्रश्न है दोस्तों कि जो लाइन सिग्नलों से नियंत्रित होती है उसे कौन सी लाइन कहते हैं, यानी सिग्नलों से शासित लाइन। ठीक, सिग्नलों से नियंत्रित लाइन, जो सिग्नल द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं उसे रनिंग लाइन कहते हैं। रनिंग लाइन पे सिग्नल लगे होते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है रनिंग लाइन। जो लाइन सिग्नलों से नियंत्रित होते हैं, सिग्नल द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उन्हें रनिंग लाइन कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर पाँच पे देखते हैं, बीएस कौन से सेक्शन में होता है। तो देखिए, डबल लाइन रंगीन बत्ती, ठीक, कलर लाइट में डबल लाइन रंगीन बत्ती में आईबीएस होता है। आईबीएस कौन से सेक्शन में होता है, डबल लाइन रंगीन बत्ती में आईबीएस होता है। ठीक, आगे आ गए इंटरमीडिएट, आईबीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल। ठीक, तो इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग जो है डबल लाइन रंगीन बत्ती में होता है। आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर छः, छठा प्रश्न है दोस्तों, छठा प्रश्न है दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी क्या है। ठीक, इसका सही आंसर है 400 मीटर। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी क्या है। तो देखिए, सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी 120 मीटर। कितना है दोस्तों, 120 मीटर। देखिए, जो सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी है इसको सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्नल ओवरलैप। सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी को सिग्नल ओवरलैप कहते हैं, और ये बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पे सिग्नल ओवरलैप की दूरी 120 मीटर होती है। कितनी होती है, 120 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न आठ नंबर क्वेश्चन है, अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये CRS के द्वारा जारी किया जाता है। रेल संरक्षा आयुक्त, CRS का फुल फॉर्म होता है रेलवे सेफ्टी कमिश्नर। क्या होता है दोस्तों, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर, जिसको हिंदी में रेल संरक्षा आयुक्त कहते हैं। तो जहाँ तक बात रहा अनुमोदित विशेष अनुदेश, ये CRS के द्वारा यानी रेलवे सेफ्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर द्वारा। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर द्वारा अनुमोदित विशेष अनुदेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नौ, नौवा प्रश्न है, जहाँ सड़क और रेलवे लाइन एक दूसरे को समान स्तर पर
पार करती है उस स्थान को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो रेलवे क्रॉसिंग होता है, रेलवे फाटक, वहाँ पे सड़क और रेलवे लाइन एक दूसरे को समान स्तर पर पार करती हैं, तो उसे हम लोग समपार कहते हैं। क्या कहते हैं? समपार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, दसवां प्रश्न है, बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी क्या है? देखिए, यहाँ सिग्नल झुकाने की पर्याप्त दूरी नहीं, लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी, जो 180 मीटर होता है। कितना है? 180 मीटर। अच्छा, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर प्रश्न है कि दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी क्या है? अब देखिए, ये जो सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी है, इसको तो सिग्नल ओवरलैप कहते हैं, और यह पर्याप्त दूरी 180 मीटर होता है। कितना होता है? 180 मीटर। दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था में स्टेशन से सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी 180 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाजीपुर मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ? तो देखिए, ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, इसकी मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय जो है हाजीपुर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लॉक सेक्शन में तूफान आ जाए तो लोको पायलट गाड़ी को कहाँ खड़ी करेगा? ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ब्लॉक खंड में तूफान आ गया तो लोको पायलट गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करेगा, क्योंकि कहीं पुल पे नहीं न खड़ा कर देगा जहाँ की खतरा हो सके, कहीं वृक्षों के नीचे नहीं न खड़ा करेगा, पेड़ के नीचे जहाँ खतरा हो सके, तो ये ऐसा सुरक्षित स्थान चुनेगा जहाँ न तो बहुत सारे पेड़ हो जो गाड़ी पे गिर सके, न पुल हो, इस टाइप के देखकर स्थान जो गाड़ी के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, उस स्थान पे गाड़ी को खड़ा करेगा, सुरक्षित स्थान पे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, 14 प्रश्न है कि एनीमोमीटर किस बात की सूचना देता है? तो दोस्तों, एनीमोमीटर हवा के वेग की सूचना देता है, हवा के वेग मापता है, एनीमोमीटर हवा की वेग का सूचना देता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, जिन स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा हो वहाँ डिस्टेंस सिग्नल कुल कितने संकेत प्रदर्शित करता है? दोस्तों, जहाँ दो यानी डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा हो वहाँ पे डिस्टेंस सिग्नल दो संकेत प्रदर्शित करता है। कितना दोस्तों? दो। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर प्रश्न है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ की स्थिति में कौन सी बत्ती बताता है? देखिए, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ की स्थिति में रहता है तो यह एक पीली बत्ती बताता है। कौन सा बत्ती दोस्तों? एक पीली बत्ती। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि कॉलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की क्या पहचान है? कॉलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की पहचान क्या है? दोस्तों, ये पी मार्कर लगा रहता है, पी मार्कर। कॉलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की पहचान क्या है? पी मार्कर। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, शंट सिग्नल कौन से सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता? दोस्तों, शंट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। प्रथम रोक सिग्नल का तात्पर्य होम या आउटर से होता है। किससे होता है? होम या आउटर से। तो दोस्तों, वहाँ पे शंटिंग करे तो आगे ले नहीं जाया जाता है, ठीक, ये नहीं ले जाया जाता है। तो जब नहीं ले जाया जाता है तो वहाँ शंट सिग्नल का कोई तात्पर्य नहीं बनता। तो शंट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जाता है, ठीक। अगली प्रश्न, 19, चालक को खराब आगमन रोक सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से प्राधिकार प्राप्त होने के बाद चालक उस सिग्नल को अधिकतम कितनी गति से पार करेगा? दोस्तों, ध्यान रखें, चालक को खराब आगमन रोक सिग्नल का सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से जब प्राधिकार प्राप्त हुआ है तो भी खराब आगमन सिग्नल है, इसलिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसे पार करेगा। कितने चाल से दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, जो कि पहले लूप लाइन में चाल थी। क्या दोस्तों, कहने का मतलब आज नहीं है का? आज भी है, लेकिन आज 15 से 30 कर दिया गया है, तो 15 भी हैं, और जहां विशेष संदेश प्राप्त है वहां लूप लाइन में 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है।
तो देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्या किसी स्टेशन का आउटर सिग्नल फेल हो जाने पर होम को भी फेल माना जाएगा? नहीं, आउटर सिग्नल फेल हो जाने पर होम को फेल नहीं माना जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर है नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले इस सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।